हेमंत विश्व शर्मा के यहां बंदूक रखे, बोला बीजेपी मंजूर है। क्यों? उसने चोरी कर रखी थी। आप जब मर्द हैं मर्द जैसा बात कीजिए, अगर आप महिला हैं तो महिला जैसा बात कीजिए, अगर आप पुरुष हैं तो पुरुष जैसा बात कीजिए। मैं आपको दिल्ली घुमाऊंगा अपनी गाड़ी में। आपने तो 7 साल में कुछ नहीं किया, मैं आपको दिखाऊंगा दिल्ली में हमने कितने शानदार स्कूल बना दिए। उन्होंने मुझको न्योता दिया है, मैं उनका घर में भी आप बुलाने से मैं जाऊंगा, लेकिन मुझको आप जोगी झोपड़ी में लेके जाइए। हमारा हर गांव का हालत आपका जोगी झोपड़ी से अच्छा है। और आज इस मंच से मैं हेमंत बाबू को आमंत्रण देता हूं कि जब दिल्ली आए तो मेरे घर चाय पीने के लिए आइएगा। अगर समय मिले तो थोड़ा खाना खाने के लिए भी आइएगा। मैं आपको दिल्ली घुमाऊंगा अपनी गाड़ी में। आपने तो 7 साल में कुछ नहीं किया, मैं आपको दिखाऊंगा दिल्ली में हमने कितने शानदार स्कूल बना दिए। मैं आपको दिखाऊंगा दिल्ली में कितने शानदार मोहल्ला क्लिनिक बना दिए, अस्पताल बना दिए। तो हेमंत बाबू को आज मैं आमंत्रित करता हूं। उन्होंने मुझको न्योता दिया है, मैं उनका घर में भी आप बुलाने से मैं जाऊंगा, लेकिन मुझको आप जोगी झोपड़ी में लेके जाइए। हमारा हर गांव का हालत आपका जोगी झोपड़ी से अच्छा है। दिल्ली में मैंने खुद इलेक्शन कैंपेन में गया हूं, दिल्ली का 60% लोग नरक में रहता है, असम तो स्वर्ग है। एक एक छोटा कमरा में 20-20 लोग, 30-30 लोग रहता है। जो दिल्ली हम देखता हूं, असम हाउस, मुंबई, महाराष्ट्र भवन, वो एक्चुअल दिल्ली नहीं है। जो एक्चुअल दिल्ली है जोगी झोपड़ी में है, 70% लोग रहता है, वहां में पानी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ट्रांसफार्मर भी घर का सामने बड़ा बड़ा होकर लगता है। मैं तो जाके देखा, मैं बोला भाई कोई मर ना जाए सर। सो इसीलिए आसाम का 50 लोग उनका न्योता का अनुसार जाना चाहेगा दिल्ली, लेकिन आप हम वो जगह में जाऊंगा जो जगह हम जाना चाहता, आप जो जगह में ले जाएगा वहां हम नहीं जाएगा। दिल्ली में पिछले 7-8 साल में मैंने 12 लाख बच्चों के लिए रोजगार का इंतजाम किया, 12 लाख बच्चों के लिए। आप मां कामाख्या का मंदिर का नीचे मीटिंग करते हो, और मीटिंग में हमारा असम का लोगों को आप गुमराह करता है कि आप 7 साल में 12 लाख नौकरी दिया, जबकि आपका दिल्ली गवर्नमेंट का सैंक्शन पोस्ट ही 1.5 लाख है, तब कैसे 12 लाख आपने नौकरी दिया? तो हमें असम का लोगों को उनको बुड़बक जैसा लगा, लेकिन हम उनसे स्मार्ट है, तुरंत हम खबर निकाल लिया। ईडी और सीबीआई ने इस देश के सारे भ्रष्टाचारियों को एक पार्टी में इकट्ठा कर दिया, मंच पे इकट्ठा नहीं किया, एक पार्टी में, इनकी पार्टी में इकट्ठा कर दिया सारे भ्रष्टाचारियों को। ईडी वाले आते हैं, सीबीआई वाले आते हैं, रेड मारते हैं, यहां बंदूक रखते हैं, कहते हैं बता जेल जाना है कि बीजेपी में जाना है। मनीष की अभी बंदूक रखी, बोले बता जेल जाना है कि बीजेपी। मनीष बोला जेल मंजूर है, बीजेपी में नहीं, मर जाएंगे लेकिन बीजेपी में नहीं जाएंगे। सतिंदर जैन की यहां बंदूक रखी, बोला जेल जाना है कि बीजेपी में जाना है, बोला बीजेपी में नहीं जाएंगे, मर जाएंगे। हेमंत विश्व शर्मा के यहां बंदूक रखे, बोला बीजेपी मंजूर है। क्यों? उसने चोरी कर रखी थी, इन्होंने चोरी कर नहीं रखी दोनों ने, तो इनको पता है 6-7 महीने रख लेंगे, उसके बाद तो बाहर आना ही है, कुछ करा नहीं है। इससे फालतू क्या है, बेल तो मिलनी है, आज नहीं मिलेगी कल मिल जाएगी, कल नहीं मिलेगी परसों मिल जाएगी। मैंने केजरीवाल जी को बोला था कि आप विधानसभा का अंदर कायर जैसा जो भी बात बोला था मेरा विपक्ष में, आप कृपा करके वो बाहर में बोलिए, तब मैं हमें आपको कोर्ट में देख लूंगा। उनका हिम्मत भी नहीं हुआ और अनाप शनाप बोल के चला गया, लेकिन मेरा ऊपर कोई क्रिमिनल केस है वो बोलने का उनका दम नहीं हुआ, लेकिन विधानसभा में वो ये बात बोला था। तो इसीलिए मैं उनको बोलता हूँ कि कायर जैसा बात मत कीजिए, आप जब मर्द हैं मर्द जैसा बात कीजिए, अगर आप महिला हैं तो महिला जैसा बात कीजिए, अगर आप पुरुष हैं तो पुरुष जैसा बात कीजिए, अगर आप नेता हैं तो नेता जैसा बात कीजिए, अगर आप
खिलाड़ी है खिलाड़ी जैसा बात कीजिए, लेकिन कायर जैसा बात मत कीजिए। ये मेरा सुझाव था और उनका हिम्मत भी नहीं हुआ कुछ बोलने का। इससे ये प्रूव होता है कि ये लोग अपना जो हीरोइज्म दिखाता है वही विधानसभा का सार बैरो का अंदर ही दिखाने का उन लोग का शक्ति है।